देश की प्रतिष्ठित व्यापारिक संस्था कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने दिल्ली के 5-स्टार होटल द ओबरॉय में मास्टर कार्ड के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें मास्टर कार्ड के ग्लोबल CEO माइकल मीबैच, प्रेसिडेंट आरा सरकार व विभिन्न राज्यों से आए कैट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने मास्टर कार्ड व कैट के मजबूत रिश्तों से कैट के प्रतिनिधियों से परिचित कराया। For the Confederation of All India Traders to have among with us Mr. Michael Mebeck, the Chief Executive Officer of MasterCard. Can I request all the audience and my friends who are sitting in this hall to give a round of applause and standing ovation to Mr. Michael Mebeck. So the first thing I want to say is I apologize that my Hindi is not very good. So I will stick to English, but I want to call that out. Secondly, I have to return the thank you for this decade-long partnership. It's been a tremendous partnership. Who has a partner that has 80 million small merchants in the world? आप लोगों ने जो तरक्की दिखाई है in the last, I'd say, 4-5 years, is fundamentally changing how other governments and countries are looking at, you know, digital payments. I will talk, Ravindji, a little bit of, you know, ASEAN is very similar to India from an economic category and the growth curve. And I would say with great pride, the amount of interest ASEAN policy makers, government officials have in terms of what is actually happening in India. कैट दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष विपिन आहूजा ने कैट द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में विशेष आग्रह पर पधारे मास्टर कार्ड के ग्लोबल CEO माइकल मीबैच व विभिन्न राज्यों से आए कैट के प्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया। द डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स विल मेक ट्रांजैक्शन मोर सिक्योर फॉर द मर्चेंट्स। फिजिकल कैश इज फ्रीक्वेंटली स्टोलन, लॉस्ट और सॉइल्ड। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स इन दिस कंट्रास्ट are processed instantly and at zero risk to the merchants. Banks bear these risks. Digital payments also create an instant payments trail for merchants, making it easier to track and record transactions. We well is less prone to the fraud. Electronic payments are also an effective way to the promote customer loyalty. We believe that in partnership, MasterCard and CAT can help deliver the significant benefits to the traders in doing so to help make Digital India a reality. And we are really thankful to our trade leaders who are present here in a very large number. Thank you so much. आपदा के वक्त जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने वाले कैट से जुड़े व्यापारियों को हीरो मर्चेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने मास्टर कार्ड के ग्लोबल CEO माइकल मीबैच को अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया। कैट द्वारा हीरो मर्चेंट अवार्ड से सम्मानित गौतम अग्रवाल ने कैट के मंच से महिला भागीदारी को बढ़ाने की बात कही। लगभग पिछले 5 सालों के अंदर इंडिया के अंदर जो डिजिटल कॉमर्स है वो 15-16% पेनेट्रेशन था इंडिया में, वो आज 22-23% जा चुका है। और जैसे प्रवीण जी ने बोला पहले भी, और आज एक्चुअली वॉलमार्ट के CEO ने अनाउंसमेंट दिया कि इंडिया उनके लिए इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल मार्केटिंग बनने वाली है, राइट। इस साल का आंकड़े दिखा रहे हैं, दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर द कंट्री, राइट। और पिछले 3-4 सालों में जो चाहे वो ई कॉमर्स में हुआ हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट में हुआ हो, उसी के कारण हुआ है। सो वो उसका नजरिया अगर देखें तो उस हिसाब से ये जो प्रोग्रेस है उसको अगर हमको आगे बढ़ाना है तो इस प्रोग्रेस को थोड़ा इंक्लूसिव होना पड़ेगा। अभी किसी हमने बोला 8 करोड़ हमारे ट्रेडर भाई बहन यहाँ पे हैं, उसमें से सिर्फ लगभग 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के लगभग महिला ट्रेडर्स हैं।
राइट, उस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। महिलाएं जैसे हम देखते हैं इंडिया में हो या इंडिया के बाहर देखिए आप, वो बहुत प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट पुश टू स्मॉल ट्रेडर्स, राइट। कैच दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष विपिन आहूजा ने भारत में डिजिटल पेमेंट में आई क्रांति में मास्टर कार्ड का विशेष योगदान बताया। देखिए ये वाला जो करार है ये तो कई साल 10 साल से हम इकट्ठे हैं, और अब जिस तरीके से हमारा आप ये समझ के चलिए जो हमारी पार्टनरशिप हमारी जो डेवलप हुई है, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे कि एक सक्सेसफुल मैरिज, हम दोनों एक बंधन में बन गए हैं। तो क्योंकि मास्टर कार्ड ने हमको बहुत टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत हमारी हेल्प की है, और मैं समझता हूँ उसको कई वर्ष हो गए कोविड के अंदर भी, और आज अगर हमारे देश की तरक्की जो हमारी डिजिटल के अंदर जिस तरीके से हमारा देश इतना आगे पहुँच गए और उसके अंदर हमारी मास्टर कार्ड को भी बहुत योगदान जाता है। आज आप देखिए कि जो मिस्टर माइकल आए अमेरिका से CEO इसके मास्टर कार्ड के, एशिया के मिस्टर सरकार थे, रवि अरोड़ा जी थे, पूरी टीम जी। तो आपने आज जिस तरीके की जिस ऊंचे स्तर की आपने आज मीटिंग देखी वो अपने आप हमारे ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती आएगी, और हमारी कैट जिस तरीके से काम कर रही है आप भविष्य में देखना कि कंसोलिडेशन ही है वो जिस जो कि यहाँ के हर तरीके से योगदान अपना, चाहे वो व्यापारी का है चाहे वो देश का है, हर तरीके का योगदान देने में कैट सबसे आगे है और रहेगी।